आप सब कैसे हो? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए आज हम पोहे बना रहे पोहे। देखिए ये है मेरा हाफ के जी पोहा है, और ये मैंने 4 ऑनियन ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। देखिए, और ये 3 टेबलस्पून ऑयल है, और ये है ये बटाटा है जो इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया, इसको ऐसे छोटे छोटे चंक्स में। देखें, और एक कड़ी लीव्स है, ये 6-7 हरी मिर्चे इस तरीके से कटिंग किया हुआ है, और ये है 1 टेबलस्पून जीरा, ये राई है 1 टेबलस्पून, ये नमक है 1.5 टेबलस्पून है, आप अपने हिसाब से डालें, और ये 1/2 टीस्पून शक्कर है, और ये हल्दी है 1 टेबलस्पून हल्दी है। चले अब हम बनाएंगे। देखिए ये पोहा है जो मैंने लिया हुआ है, इसको 2-3 बार अच्छे से वॉश करके फिर इसको अलग रख देना है। इसको वॉश करके, इसमें पानी नहीं रखना है, अच्छे से वॉश करके अलग से रख देना है। ओके, चले अब बनाएंगे। चले अब हम बनाएंगे। ये पहले ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम हो गया, फिर ये पहले राई डालेंगे, राई फिर जीरा डालेंगे। देखिए ये हल्का क्रैक होने लग जाए फिर आप इसे अपना आंच मीडियम ही रखना। देखिए ये तड़कने लग गए हैं, अब हम इसमें कड़ी लीव्स डालेंगे। देखिए कड़ी लीव्स डाल दिए हमने, आंच मीडियम रखना। प्लीज़ कड़ी लीव्स डालते वक्त प्लीज़ केयरफुली। ओके, अब हम इसमें ये जो बटाटे के ऐसे पीस किया होता है ये इसमें डाल देते। देखिए हम बटाटा डाल दिए, अब इसको हल्का फ्राई होने दे। देखिए अब चाहे तो इसको अलग फ्राई करके भी ले सकते हो, मैंने पहले यही डाल दिया, मैं इसी में डाल दी। ओके, देखिए देखिए इस तरीके के हो चुके हैं बटाटा। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे, हम इसमें ऑनियन डाल देंगे। देखिए प्याज डाल दिए, इसको हल्का सॉफ्ट होने देना है, जलाना बिल्कुल नहीं है, आपको केयरफुली यहीं पे खड़े रह के सब कुछ करना है। देखिए हम अब इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। ओके, और इसमें अब ये 1/2 टीस्पून शक्कर इसमें ऐड कर देंगे। शक्कर इसलिए डाला जाता है बस टेस्ट बैलेंस करने के लिए। ये देखिए इसको हल्का सॉफ्ट कर लेना है, अब इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। ये प्रोसीजर बहुत जल्दी जल्दी होता है, अब इसको जलाना नहीं है, ये बहुत इजी रेसिपी है। देखिए बस इसको 5 सेकंड तक के भूनना है, फिर हम इसको पोहा ऐड कर देंगे। देखिए इसको हमने वॉश कर लिया था, इसका पानी पूरा निकाल के मैंने ऐसे ही अलग रख दिया था। ये देखिए कैसा खुला खुला हो गया, आपको भी ऐसे ही करना है तो ही पोहा अच्छा लगता है। देखिए अब इसमें हम ये पोहा ऐड कर देंगे। देखिए इसमें पोहा ऐड कर देंगे, अभी
इसको अच्छे से हिलाना है। देखिए कहीं पे भी लंग्स में रह जाए, आप अच्छी तरीके से इसको हाथों से खोल देना है और फिर इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए देखिए इसको अच्छी तरीके से हिलाया मैंने। अब इसको हल्का हल्का हाथों से बस ऐसे ऐसे पानी ये करना बस। देखिए हल्का बस इसको सॉफ्ट होने के लिए हम इसको अब 10-15 सेकंड के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। आपका धीमे आंच पे रखना चाहिए, आज धीमे पे ही रहना। ओके चले चलिए 15 सेकेंड हो गए, अब हम इसे चेक करेंगे। आप इसे अच्छी तरीके से हिलाइए, देखिए ऐसे खुला खुला बनाए, सॉफ्ट बनाए। ओके बस और इसे 10-15 सेकेंड रखेंगे हम। आपका फ्लेम एकदम मीडियम, एकदम स्लो करना, एकदम स्लो दम पे रखना है हमें इसे। ओके चलिए 15 सेकेंड। चलिए अब हम इसे चेक करेंगे, फ्लेम हमने बंद कर दिया है। देखिए इस तरीके से हो गया, अब हम इसे सर्व करेंगे। ओके चले अभी हम इसे सर्व किए। आप देखिए ये है गीला खोपड़ा जो इस तरीके से चूर निकला हुआ है। अरे टमाटर है ये बारीक चॉप चॉप किया है, ऑनियन है, कोथमीर है, नींबू है और ये छोटी गाठी है वैसा। अब जिस तरीके से आप खाना चाहते हो वैसे ही खा सकते हो। अब देखिए मैंने इसमें बटाटा डाला था पहले स्टार्टिंग में फ्राई करके, अब इसकी जगह और भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे पीनट्स है, शेंगदाना है, ऐसे आप डाल सकते हो। इसमें आप वेज भी बना सकते हो, हरा वटाना, गाजर ऐसा डाल के इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे आपका खाना चाहिए वैसे मर्जी है, आप इस तरीके से बना सकते हो। देखिए अब हम इसमें डेकोरेशन करेंगे, देखिए ये डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा लगता है, देखिए ऑनियन गाठी है फरसान। अरे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। इसको नींबू आप ऐड कर दें जब खाना है तब ऐड कर दें, ये बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए घर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। प्लीज़ टेक केयर। चलिए अल्लाह हाफिज़।